तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में धमाकेदार शुरुआत की है। उसने शनिवार को इस टी20 लीग के 12वें संस्करण के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से धो डाला। विराट कोहली की टीम इस मुकाबले में 17.1 ओवर में महज 70 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद धोनी के धुरंधरों ने 17.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल में रविवार को 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। आईपीएल के 12वें संस्करण का पहला मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। टॉस मेजबान टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता। उन्होंने धीमी पिच पर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए विरोधी टीम को बेहद सस्ते में समेट दिया। बैंगलोर की ओर से सबसे अधिक 29 रन पार्थिव पटेल ने बनाए। कप्तान कोहली के साथ ओपनिंग करने आए पार्थिव आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। पार्थिव पटेल के अलावा बैंगलोर का कोई भी बल्लेबाज दोहरी रन संख्या नहीं छू सका। मोइन अली 9 और एबी डिविलियर्स 9 टीम के दूसरे टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली ने 6 तथा डी ग्रैंडहोम और चहल 4-4 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और लैग स्पिनर इमरान ताहिर ने 3-3 विकेट झटके। जडेजा ने 2 विकेट लिए जबकि 1 विकेट ड्वेन ब्रावो को मिला। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले साल फाइनल में शतक बनाने वाले उसके ओपनर शेन वॉटसन इस बार खाता भी नहीं खोल सके। हालांकि दूसरे ओपनर अंबाती रायडू 28 और सुरेश रैना 19 ने 32 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। इस दौरान रैना ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए। रैना और रायडू के आउट होने के बाद केदार और जडेजा ने अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। दोनों ने 12 रन की नाबाद साझेदारी की। चेन्नई की यह पिच बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुई। मैच में एक भी बल्लेबाज 30 की रन संख्या नहीं छू सका। दूसरी ओर स्पिन गेंदबाजों ने इस पिच पर खूब विकेट चटकाए। चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिन गेंदबाजों ने 8 विकेट लिए। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 3 में से 2 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने झटके। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें क्रिकव्यू को ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज के लिए।